हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल अभिषेक बाबू चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस, हमारी आज की वीडियो कानपुर यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट पर है। हमारे पास काफी ऐसे स्टूडेंट्स के अपडेट्स आ रहे हैं, काफी ऐसे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं जिन लोगों ने कानपुर यूनिवर्सिटी में बैक पेपर नहीं दे पाए हैं किसी कारण। एक्चुअली कानपुर यूनिवर्सिटी में जो बैक पेपर हुए थे वो 4 अक्टूबर को करा दिए गए थे। जितने भी कोर्सेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी के बैक पेपर 4 अक्टूबर को करा दिए गए थे कानपुर यूनिवर्सिटी में। लेकिन सबसे बड़ी गलती कानपुर यूनिवर्सिटी की ये रही कि उन्होंने डेट शीट को ऑफिशियली लिंक पर नोटिफिकेशन के साथ में प्रोवाइड नहीं किया, तो इस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स के जो बैक पेपर थे वो रह गए करने के लिए, और ऐसी कंडीशन में काफी स्टूडेंट बैक पेपर नहीं दे पाए। और आपको बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स बैक पेपर नहीं दे पाए हैं, जिन लोगों को डेट शीट प्रोवाइड नहीं हुई, वो सभी लोग किस तरीके से बैक पेपर द्वारा दे सकते हैं, तो चलिए आइए आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने 10 फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू। तो गाइस देखिए, कानपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी हैं, जो लोग किसी कारणवश अपना बैक पेपर नहीं दे पाए, इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर दिया लेकिन नहीं दे पाए एग्जाम, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया है, एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपकी जो बैक पेपर की डेट शीट थी, हार्डली एक अदर वेबसाइट पर मुझे मिली है, जहाँ पर कि आप ये देख सकते हैं सभी के कोर्सेज के एग्जाम्स थे वो आपके 4 अक्टूबर को करा दिए। साथ में आपको बताना चाहूंगा मैं कि मैंने जिससे अपडेट लिया वो ऑफिशियली वेबसाइट नहीं है कानपुर यूनिवर्सिटी की, मैंने अलग वेबसाइट से अपडेट लिया ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें और कानपुर यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पर आपको कहीं पर भी डेट शीट नहीं दिखाई दे रही। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर बैक पेपर का फॉर्म भर चुके हैं, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन आप नहीं दे पाए हैं, एग्जाम नहीं दे पाए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया है, एक ही सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये रहेगा कि आपको बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म था जो आपने फिल किया, उसकी आपको एक रिसिप्ट मिली होगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था, हमेशा से बताता आया हूँ कि आपके पास लास्ट में एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट को लेकर के आपको जाना है कॉलेज। ठीक है, और साथ में उसके साथ लगानी है आपको एक एप्लीकेशन। ये काम आपको बहुत जल्दी से जल्दी करना है, 15 अक्टूबर से पहले पहले करना, जब तक रेट ना आ जाए, रेट आ रहा है कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको अपनी रिसिप्ट कॉपी लेकर के आनी है, जो कि आपने फॉर्म भरा था इम्प्रूवमेंट या फिर बैक पेपर का, वो रिसिप्ट कॉपी और उसके साथ में एक आपको एप्लीकेशन लगाना है। एप्लीकेशन में सारी चीजें मेंशन करनी है, किस कारणवश आप एग्जाम नहीं दे पाए, आपको डेट शीट प्रोवाइड नहीं हुई, या फिर आपकी तबीयत खराब थी, या फिर आप कहीं इंपॉर्टेंट काम से गए हुए थे, सारी जानकारी उसमें फिल करनी है। और उसमें आपको लिखना है कि आप दोबारा से, मतलब आपको बैक पेपर या फिर इम्प्रूवमेंट का जो फॉर्म भरा आपने, इम्प्रूवमेंट फॉर्म का जो आपने फॉर्म भरा है, उसको दोबारा से देने का मौका दिया जाए। चाहे आपको चाहे आपको कॉन्फिडेंशियली जाकर ही बैक पेपर देना पड़े या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़े, लेकिन आपको मौका दिया जाए। ऐसी सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के अंदर जो मेंशन करनी है, एप्लीकेशन के साथ में आपको वो रिसीप्ट कॉपी जरूर लेकर के आनी है, जो कि आपने अपना बैक पेपर और एग्जाम फॉर्म भरते समय उसे रिसीप्ट किया था। ठीक है, तो उसको आप लेकर के जाइएगा, 100% आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जो आपका प्रूफ है फॉर्म भरने का वो आपका वही रहेगा जो रिसीप्ट है। तो रिसिप्ट लेकर के आप जाएं, एप्लीकेशन लगाएं, 100% आपको बैक पेपर मिलने का पूरा पूरा चांसेस है। एप्लीकेशन आपको किस तरीके से लगानी है, किस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है, इसके लिए मैं जस्ट आज शाम को वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग मुझे रिकमेंडेड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर आप एप्लीकेशन बना करके दीजिए, तो मैं आपको एप्लीकेशन बना करके दूंगा, पूरा फॉर्मेट समझाऊंगा किस तरीके से आपको जमा करनी है। 100% आपको बैक पेपर दिया जाएगा और 100% आप बैक पेपर दे पाए। तो जितने भी ऐसे विद्यार्थी जो कि बैक पेपर नहीं दे पाए, इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर दिया लेकिन इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे पाए, सभी इस वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो को देखें, मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट मिले, ताकि मैं भी आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग जॉब्स के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का अपडेट चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस चैनल का नाम है हाउ टू मेक करियर इन जॉब्स। वहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब और पार्ट टाइम जॉब, किस तरीके से आपको अपने करियर में क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको करियर सेट हो सकता है, इस तरीके से हम बहुत सारे अपडेट्स वहां पर आपको प्रोवाइड करते हैं। घर पर बैठकर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं बिना इन्वेस्टमेंट के। तो आप उस चैनल पर विजिट करें, उस चैनल पर आप लाभ उठाएं और घर पर बैठकर काम करने का पूरा पूरा फायदा लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो को आपको मिलता रहे। थैंक यू।